इंद्री की पाल कॉलोनी में एक व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक का नाम विजय बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को करनाल के कल्पना चावला में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। मृतक के पास एक लड़का और एक लड़की है। मृतक की पत्नी संगीता ने बताया कि सुबह उठकर विजय कुमार गली में फोन करने के लिए गया था। घर में आया तो जब काफी समय से घर से बाहर नहीं निकला तो मैंने देखा कि पंखे की छत पर लटक रहा था और जब तक उसकी मौत हो चुकी थी और काफी समय से वह नशा करता था और नशे का आदि था। फोन पर क्या बात हुई इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। किससे फोन पर क्या बात हुई? पता नहीं, मैं तो काम पे जा रही थी, मम्मी थी घर बस। तो कोई आपस में अनबन थी? कोई नहीं, कोई नहीं थी। सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था इसका। अच्छा। कल बताया नहीं। मैंने पूछा मगा मोटरसाइकिल कहाँ है, अगर सुबह रे आ जाएगी। मगा चल कोई बात नहीं आ जाएगी। कल ये सारा दिन सोया रहा, इस टाइम उठा ना दो के फिर गया, फिर आके सो गया। सो गया फिर सुबह रे। मोटरसाइकिल कहाँ थी फिर इसकी? पता नहीं, पता नहीं कहाँ। पीपड़ी पापड़ी काम कर रहा था, यूँ काम कर रहा था। बाइक बुइक दो तीन दिन हो गया काम पे भी नहीं गया। तो सुबह उठ के फोन करने गया सड़क पर। मैं यहाँ कपड़े धोकर आई। मैंने रजाई चढ़ा छाड़ सी, मेरी रजाई सीरी थी। ये अंदर से गया फोन लेगा, फोन पता नहीं किस पे करा किस पे नहीं करा, मेरे तो पता नहीं। बस आधे घंटे बाद इसका पापा आ गया, आके विजय का इसकी मोटर छुटवा कर ले आएंगे। तो मौका में चल छाड़ सी तुम देख लो, ये रजाई में उठान गया तो उठाना तो क्या था, ऊपर टंग रहा था बस। ये आगे का पता नहीं, पता नहीं लगे ना कुछ। पता लगता तो फिर तो मैं इतने फिर आवाज मारती, किसी से बुलाती। हाँ, दारू पीता था। हाँ, नशे का आदमी था। वहीं पुलिस जांच अधिकारी रामदिया ने बताया कि पाल कॉलोनी से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। मौके पर देखा जिसका नाम विजय कुमार, उम्र 32 साल है, जो कि नशे का सेवन करता था और उसने आज फांसी लगा ली। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला में भिजवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी भी पाल कॉलोनी में एक लड़का जो हैंगिंग कर गया, उसके संबंध में आए मौके पर देखा तो घर वालों ने बताया थोड़ी देर पहले फोन में बात कर रहा था गली में खड़ा और अचानक अंदर जाके अपने फांसी ले लिया जी। क्या है जी, उमर कितनी थी? उम्र करीब है जी इसकी 33-34 साल। कहाँ के रहने वाले सर? पाल कॉलोनी इंद्री। बस ये नशा करने का था जी, आत्महत्या ही, अभी तो मान को चलो तो कोई रोक नहीं है जी। अच्छा। तो पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? अभी आपस वाले की टीम बुलाई गई थी मौके पर और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा जी। अच्छा। तो जांच कर रही है। हाँ जी, हाँ जी।